बारह बजे और आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। भ्रष्टाचारी और काला धन इन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बना रखा है। एक बार अगर जमींदारों से यह वातावरण पूछना चाहिए, भारत माता की, हाथ एक एक उठना चाहिए, भारत माता की वंदे, इंकलाब इंकलाब हिंदुस्तान, श्रद्धे स्वामी जी, श्रद्धे अन्ना हजारे जी। दोस्तों ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है, हम सबका जीवन कहीं ना कहीं इस संस्कृति में, इस माटी में पला बढ़ा है। हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, मानव धर्म है। उसी प्रकार से राज के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, एक धर्म है। उस धर्म का पालन करते हुए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रद्धे स्वामी जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में एक आंदोलन जो कहीं राष्ट्र भर में एक चेतना का प्रवाह दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए नैतिक समर्थन, धन धन से समर्थन, और जहाँ कहीं स्वामी जी की आवाज पहुँच रही है, उनके विचार पहुँच रहे हैं, उनका संदेश पहुँच रहा है, वहाँ एक क्रांति की ज्वाला, एक क्रांति का ज्वार उमड़ रहा है। उस क्रांति के ज्वार में जो भ्रष्टाचारी ताक में है हिंदुस्तान की, वो बह जाएंगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। उन संकल्पों को लेकर आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आरंभ करना चाहता हूँ, और आरंभ करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्र के वो अग्निधर्मा कवि, जिनको आप पहले भी सुनते रहे हैं, सुन चुके हैं अभी सीमंत से, मैं श्रद्धे हरिओम पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पूरा सदन एक बार करतल ध्वनि से बुलाएगा। श्रद्धे हरिओम पवार जी के बारे में आप जानते हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य केवल राष्ट्र धर्म हो गया है। इस संस्कृति को बचाने के लिए वो हमेशा से लिखते रहे। मैंने पहले भी कहा कि जन्म से शोला हूं मैं शबनम नहीं, इसीलिए तासीर मेरी नम नहीं, ये चमन समझ जाए मेरी कोशिश है, भले ही मैं बिखर जाऊं कोई गम नहीं। और बुलाना चाहता हूं उनको शिव उम्र जी की पंक्तियों के साथ। श्रद्धे हरिओम पवार जी को या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। श्रद्धे हरिओम पवार जी की जो लेखनी कहती है, उनको इन पंक्तियों के माध्यम से शिवम्बर जी ने कहा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार तालियों से आमंत्रित करे श्रद्धे हरिओम पवार जी को। पूज्य श्रद्धे स्वामी जी, पूज्य अन्ना हजारे जी, और मंच पर सभी बहुत बहुत सम्मानित अतिथिगण, मैं अभी कुछ देर पहले आधे घंटे आपके बीच कविता पाठ कर चुका हूं, लेकिन फिर आदेश हुआ है तो मैं तो स्वामी जी का समर्पित सिपाही हूं। स्वामी जी के लिए उनके आदेश पर जीवन भर कविताएं गा सकता हूं जनता के लिए। एक मैं अपनी बहुत आसान कविता सुनाना चाहता हूं। मैं एक गाँव का किसान का झोंपड़ी का बेटा हूँ। कभी कभी गांव जाता हूं तो मुझे गांव के लोग कहते हैं कि तू लिखता क्या है, कविताओं में क्या सुनाता है। पहली जो कविता आपने सुनी होंगी वो कुछ गंभीर लगी होंगी, लेकिन मैं एक बहुत सहज कविता जो मुझे कहना है, कहना तो वही है, लेकिन कहा मैंने बहुत आसान तरीके से है। मेरा अनुरोध आपसे यही है, जब आप तक बात पहुंचे तो जैसे पहले आप जिस तरह उत्साह वर्धन करते रहे थे, इस कविता में ज्यादा उत्साह वर्धन की आवश्यकता है। इस कविता की एक ही विशेषता है कि जितना जनता मेरा साथ देगी, मेरी जुबान उतनी कड़वी होती चली जाएगी। अब मुझे आप कितना कड़वा बना सकते हैं, यह आपकी तालियों पर निर्भर करता है। पहली पंक्ति से प्रारंभ करता हूं मैं, स्वामी जी के चरणों में समर्पित। ये अजीब संयोग है कि देश के दो अलग अलग ढंग के फकीर हैं। अन्ना हजारे 64 साल के बूढ़े फकीर हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ अलग जगा रहे हैं। 74 साल के, अब तो एक साल बढ़ गई, 75 साल तो हो गए होंगे। वो 75 साल के नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी 7.5 साल का बच्चा उनके भीतर बैठा हुआ है, और उस बच्चे की मासूमियत हिंदुस्तान की जनता को देखने को मिलती है। स्वामी रामदेव जिन्होंने 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 11,000 सभाएं की, लगभग 10-11 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क किया,
ऐसा सन्यासी दुनिया के इतिहास में जनता से साक्षात करने वाला नहीं मिलता। ऐसे दो अद्भुत सन्यासी मिलकर हिंदुस्तान की मूल समस्याओं पर प्रहार कर रहे हैं, तो हमारे सत्ताधीशों को यह महसूस करना चाहिए कि ये आवाज दो फकीरों की नहीं है, हिंदुस्तान के आम आदमी की आवाज है, और हिंदुस्तान के आम आदमी की आवाज को स्वीकार करना किसी का बड़प्पन हो सकता है, किसी का छोटापन नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आपको, सहज सी कविता, बहुत सहज कविता, इस मंच से मैंने शायद वो कभी नहीं सुनाई, भारत स्वाभिमान से भी मैंने कभी नहीं सुनाई। पहली बार मैंने इसलिए चुनाव किया है कि गांव के भी लोग आए हैं, किसान भी आए हैं, गरीब लोग भी आए हैं, उन तक मेरा भीतर का गुस्सा पहुंचे। और बस वही बात याद दिलाता हूँ, जितना हौसला आपका बढ़ेगा उतना मैं आप तक जल्दी पहुंचूंगा। पहली पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। आओ आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, अजीब सी बहस देश में, क्या कह दिया स्वामी जी ने, क्या कह दिया केजरीवाल जी ने। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, थोड़ी और दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में, थोड़ी और दलाली खेलें। तो यही चाहता हूं मैं, बहुत उस सारा देश का आईना आपको दिखा दूंगा। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, थोड़ी और दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में, घोटालों की खबरें पल पल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 2 8 किया है दिल्ली के दरबार में, कैसे हैं माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में। एक पंक्ति में 65 साल की डेमोक्रेसी गा रहा हूँ, और आपके दिल में तीर सा चुभे तो पीछे तक एक एक व्यक्ति से तालियां चाहता हूं, हमने 65 साल में कितनी तरक्की की, क्या बनाया देश, एक लाइन में सुनना। कैसे है माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे है माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किन कर्तव्य भी मूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, सब दिन के वाली दाढ़ी है गली के दरबार में, सब दिन के वाली दाढ़ी है दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी है दिल्ली के दरबार, जाने कितने कलमाड़ी है दिल्ली, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में, सुन लेना 2G का बाजा दिल्ली के दरबार में, सुनिएगा 2G का बाजा दिल्ली के दरबार में, देश का राजा है ए राजा दिल्ली के दरबार में, देश का राजा है ए राजा दिल्ली। और एक अद्भुत सी पंक्ति है, कविता नहीं है, अखबार की खबर है, लेकिन आप सबके हाथ खुलेंगे। देख लिया ममता का खेल दिल्ली के दरबार में, देख लिया ममता का खेल दिल्ली के दरबार में, त्रिवेदी पर चढ़ गई रेल दिल्ली के दरबार में, त्रिवेदी पर चढ़ गई रेल दिल्ली के दरबार में, त्रिवेदी पर चढ़ गई रेल दिल्ली के दरबार में, अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जन जन मन के ये मंत्री गण दिल्ली के दरबार में, जन जन मन के ये मंत्री गण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाए कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाए कमीशन दिल्ली के दर। और कड़वा हो रहा हूँ और हौसला बढ़ाना, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, क्रिकेट के मस्तक पर लोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम झोली दिल्ली के दरबार में, अगले हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांपने बल्ले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांपने बल्ले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार।
सपने बले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, चुप चुप रोता है दरबार दिल्ली के दर। अगली पंक्ति समझना, चुप चुप रोता है दरबार दिल्ली के दर। मैं कानून का प्रोफेसर हूँ, पकड़ नहीं जा सकता। अगर चिदम्बरम साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो मेरे खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। और सब कुछ कहने जा रहा हूँ, चुप चुप रोता है दरबार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में। राजधर्म सोता मिलता है दिल्ली के दरबार में, राजघाट रोता मिलता है दिल्ली के दरबार में, घायल तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार में, शेम शेम सौ सौ धिक्कार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, निर्धन की फरियाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, कोई भी आजाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली के दरबार में, आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली, घायल हर परिवेश पड़ा है दिल्ली के दरबार में, मेरा भूखा देश खड़ा है दिल्ली के दरबार में, आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, हौसला मांगता हूँ सबका। स्वामी जी की ये ललकार दिल्ली के दरबार में, रामदेव जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, सत्ता को कर दो लाचार दिल्ली के दरबार में, काले धन को वापस लाओ जनता के दरबार में, वरना गद्दी छोड़ो जाओ जनता के दरबार में, वरना गद्दी छोड़ो जाओ जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समर्पित हूँ इस आंदोलन के लिए, भारत स्वाभिमान के लिए।